नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 9 अप्रैल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल हम वेबिनार की दो सीरीज लेके आ रहे हैं। पहला है एग्री मार्केट वालों के लिए, गवार कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम एक वेबिनार कंडक्ट करें जहां पे हम फंडामेंटल और टेक्निकल जरिए से देखेंगे कि गवार का आगे वाला आउटलुक कैसा रहेगा। इस वेबिनार में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपको एग्री कमोडिटी में रुचि है, तो नीचे दिए गए नंबर और लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल के एक सेशन में 2:15 बजे हम टेक्निकल्स के ऊपर और फंडामेंटल्स के ऊपर एक सेशन ले रहे हैं, जहाँ पे हम बताएंगे आपको कि क्या ऐसे टेक्निकल टूल है या क्या ऐसे फंडामेंटल टूल है जो आप देखकर आपकी ट्रेडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दोनों ही इस वेबिनार में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो नीचे दिए गए लिंक पे और नंबर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां हमने सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर कंटिन्यू तेजी का रुख आते हुए देखा। कल हमने देखा करीबन 1% की तेजी एमसीएक्स बुलडेक्स पे आते हुए दिखाई दी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट बनी हुई है और साथ में कोरोना के केसेस जिस ढंग से बढ़े हुए हैं, यह कहीं ना कहीं गोल्ड और एमसीएक्स बुलडेक्स को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ आज शुक्रवार है, जनरली हम देखते हैं शुक्रवार के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आता हुआ दिखाई देता है। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स जब तक 47,750 के ऊपर नहीं निकलता है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम पुलबैक देख पाए और डाउनसाइड में करीबन 14,500 से लेकर 14,350 तक का लेवल एमसीएक्स बुलडेक्स में देख सकते हैं। वहीं कल के सेशन में 1% की तेजी हमने सोने और चांदी दोनों में ही आते हुए देखी थी। आज का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 47,100 का लेवल अगर ब्रीच नहीं होता है तो गोल्ड में हमें एक पुलबैक दिखाई दे रहा है जो करीबन 46,500 तक का लेवल रहेगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करें, बड़ी रैली के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हो सकता है। 68,000 का लेवल अगर ब्रीच नहीं होता है तो 66,000 तक का लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। क्रूड में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हो रही है, 44 के नीचे नहीं जा पा रहा है, नहीं 45 के ऊपर जा पा रहा है। अनलेस एंड अंटिल ये रेंज नहीं तोड़ता मार्केट एक दायरे में रहेंगे। नेचुरल गैस भी आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही है, जब तक 190 का लेवल नहीं तोड़ता है मार्केट डाउनसाइड है, पर डाउनसाइड में भी 184 के नीचे नहीं जाएगा। तो आज दिन के सेशन में तेजी रह सकती है, पर 90 का लेवल तोड़े तो ही बाइंग करना है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। पूरे बेस मेटल में कल हमने काफी भारी तेजी आते हुए देखी, आउटलुक काफी बुलिश है, आने वाले दिनों में और तेजी बढ़ सकती है। खास करके कॉपर, जिंक, निकल, ये तीन कमोडिटी पे आपको ज्यादा ध्यान देके काम करना है, जिस ढंग से हमने डॉलर में गिरावट और सप्लाई टाइट की वजह से प्राइसेस में एक तेजी बनते हुए देखी, वो कंटिन्यू अगले हफ्ते में भी बनती हुई रहेगी। नो डाउट आज एलएमई पे 0.5% की गिरावट है, बट रुपए की गिरावट के चलते डोमेस्टिक मार्केट पे बेस मेटल भी तेज है। गोल्ड की अगर बात करें, कल के सेशन में हमने 1950 का लेवल छू चुके हैं, आज शुक्रवार है, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनता है। नो डाउट खाली ये प्रॉफिट बुकिंग है, अगर प्राइजेस वीकली बेस पे 1755-56 के ऊपर क्लोज दे देता है तो सीधा 1820 का लेवल ही आता है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही हमें बाइंग करना है जो हो सकता है 1730 तक का लेवल रहे। वहीं अगर चांदी की बात करें, 25-26 की रेंज में ही मार्केट मूव करेगा, $26 के ऊपर बाय करके चलना है, अदरवाइज 25 के ड्रॉप पे ही हमें बाय करना है। WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड में थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है, बट रेंज में ही मार्केट एक्टिविटी है। नेचुरल गैस में भी वेट एंड वॉच रखना चाहिए, वीक्स इंडेक्स में बढ़ोतरी है, डॉलर इंडेक्स 92 तक आ चुका है जो दबाव में है अभी भी, जिसके चलते पूरे कमोडिटी पैक में हम तेजी देख पा रहे हैं। डेटा पॉइंट की बात करें तो चाइना से CPI PPI के जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े अच्छे आए जो बेस को सपोर्ट करेंगे। यूरो जोन से भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के और ट्रेड बैलेंस के आंकड़े आने जो पॉजिटिव आने की उम्मीद है। वहीं यूएस से कोर PPI के आंकड़े स्टेबल है, PPI के आंकड़े भी स्टेबल है और होलसेल इन्वेंट्री का डेटा भी स्टेबल रहने की उम्मीद है। सबसे इंपॉर्टेंट है IMF की मीटिंग, जो कोरोना काल के बाद कैसा आउटलुक रहेगा, यहाँ पे हमें कुछ क्लैरिटी मिलती भी दिखाई देगी। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स में हमने क्लियरली कहा था कि 14,200 का लेवल तोड़ने पे 14,700 तक के लेवल दिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट प्राइसेस अचीव कर चुके हैं। आज का सेशन एक प्रॉफिट बुकिंग वाला रह सकता है, बी कॉशियस, बट ये ड्रॉप पे हम लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिखा रहा है जो बड़ी तेजी के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड में भी हर्डल आना चालू हो चुका है, 47,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है प्राइसेस में फ्रेश बाइंग ना कीजिए, 850 के लेवल पे बेच के चलिए जो डाउनसाइड में 46,200 से 300 तक का लेवल दिख जाएगा। नेचुरल गैस 200 डे मूविंग एवरेज 190 का लेवल है, ये लेवल तोड़ने पे ही बड़ी तेजी कर सकता है, अदरवाइज मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, 190 के ऊपर बाय करेंगे जो 197-198 तक का लेवल दिखा देगा। कॉपर में तेजी बन चुकी है जो ऊपर में 706 तक का लेवल दिखा सकता है, जो भी ड्रॉप मिले उसमें लेके चलिए, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।